कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे में आज सुबह तड़के 4 बजे मड़ई के पास तेज रफ्तार मेट्रो बस सड़क पर खड़े ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर अभी भी कुछ यात्रियों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सामने बैठा था, सो रहा था, मतलब सामने उसके बाद मैं पीछे चला गया और ड्राइवर चला रहा था, टेलर खड़ा था दाम में, उसके बाद उसे उतना ही मारते हुए रगड़ लिया गाड़ी। कितने लोगों को चोट आई, कुछ जानकारी है आपको? उसमें गाड़ी में 28 लोग थे, 28 में कम से कम, बाकी 5-6 लोग तो खत्म ही हो गए थे। और जिसकी बहू थी उसकी तो मुंडिया भी निकल गई, मतलब मुंडियों की सब पटूट बिगा दिया सब। ड्राइवर साहब का सभी से बचे भाग गए। कहाँ से कहाँ तक बस जा रही थी? क्या बोलते हैं, मड़ई नहीं है यहाँ पे, वहीं से घाट के नीचे उतरने से। अच्छा। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 130 में सुबह लगभग 4 बजे बड़ा हादसा हो गया। रायपुर से रेणुकोट जा रही तेज रफ्तार मेट्रो बस CG4MM3195 मड़ई के पास खड़े ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के एक तरफ के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। यह सड़क हादसा इतना बड़ा था कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में बस में सवार 4 पुरुष समेत 2 महिला व 1 बच्चे की मौत हो गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें कुछ यात्रियों को गंभीर चोट आई है, जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंचकर बांगो थाना में सूचना दी। बांगो पुलिस ने मौके पर पहुंच रेस्क्यू कर घायलों को जिला अस्पताल कोरबा भेजा, जहां घायलों का उपचार जारी है। आज सुबह 4 बजे मड़ई घाट के पास रायपुर से रेणुकूट की ओर जाने वाली मेट्रो बस खड़ी ट्रेलर को टक्कर मारकर आगे बढ़ी बाएं साइड से, जिसमें बस में सवार 6 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई और 2 घायल थे और 2 गंभीर रूप से घायल थे। जो 2 गंभीर रूप से घायल थे कोरबा जिला के मुख्यालय में, उसमें से 1 की मृत्यु हुई, उस प्रकार टोटल 7 लोगों का डेथ हो चुका है। सर कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? ये बस रायपुर से रेणुकूट की ओर जा रही थी। ये लगभग सुबह 4 बजे की घटना है, थाना बांगो अंतर्गत।